राजधानी भोपाल में बिजली कर्मचारियों के आंदोलन को लेकर की जा रही बैठक पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आंदोलन किसी मुद्दे का हल नहीं, सरकार हमेशा बातचीत के लिए तैयार है। साथ ही मीटर रीडिंग में आ रही गड़बड़ियों की शिकायत पर मंत्री तोमर ने बिजली अधिकारियों को भी हिदायत दी। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में अपनी बढ़त बनाए हुए है। मैंने पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूँ, आंदोलन समस्या का हल नहीं है, वार्ता हमेशा समस्या का हल है। अभी भी कई जगहों पर बिजली जो रीडिंग है वो गलत तरीके से दी जा रही है। अगर ऐसी कहीं संज्ञान में आप लाएंगे तत्काल कार्रवाई होगी, ये विश्वास मैं आपको देता हूँ। निश्चित रूप से जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई हो। मध्य प्रदेश हमेशा आप देख रहे हो हर मामले में अपनी बढ़त बनाए हुए है, चाहे वो स्वच्छता सर्वेक्षण हो, चाहे वो पॉल्यूशन हो, हर क्षेत्र में। क्योंकि माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार हमेशा काम में विश्वास करती है और काम निरंतर गति से कर रही है।